उपेंद्र जी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब एक बार आप 2024 का सपना देखते हैं और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप डिप्टी सीएम या सीएम बन जाते। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं जहां सुप्रीमो पप्पू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। हालांकि उससे पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिस तरीके से छपरा में मुखिया की हत्या हुई इसके बाद यह बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि करनी सेना के द्वारा यादवों की बस्ती को जलाया जा रहा, उसको लेकर साफ उन्होंने कह दिया है कि यह गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी धर्म को इस तरीके से जोड़ना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारी जो है वो सुनते नहीं है। हमने जब ये सवाल पूछा कि आपने बेगूसराय में भी यह बात कही थी, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पर भी टिप्पणी कर दी है, क्या कुछ कह रहे हैं जब सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप सुने। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू को लेकर एक बैठक कर रहे हैं जदयू से अलग होने के लिए, क्या लग रहा है कि जदयू में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा, नीतीश कुमार और उपेंद्र भाई के बारे में कुछ नहीं कहना, सबने कह दिया है। सबको राजनीति करने का अपना शौक है, बीजेपी हमेशा बैक बॉल पीछे से खेलती रहती है, चुट्टी काटती है, हमेशा बीजेपी अपना धंधा करती रहती है, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए। बीजेपी का कोई काम नहीं है, बीजेपी का काम है जदयू का सबको तोड़ लो, अलग अलग तीन कोना में चुनाव लड़ाओ, त्रिकोणात्मक चुनाव हो, बीजेपी का काम है क्या, त्रिकोणात्मक चुनाव, या डायरेक्ट चुनाव नहीं होना चाहिए, या वो तोड़ेगा ना, तोड़ेगा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी को इतनी ताकत, या पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चलाए हैं, पार्टी बनाए हैं, पार्टी बढ़ाए हैं, चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन में जाएंगे। पहले तो उपेंद्र जी जो बोलते हैं मंत्रिमंडल छोड़े फलना छोड़े, यदि मॉरल ताकत है तो विधान परिषद छोड़ दे, तो लॉलीपॉप है एमएलसी पर भैया, तो उनको छोड़ देना चाहिए। मंत्रिमंडल छोड़े नहीं, मंत्रिमंडल हटाए गए, समझे जी, उनको कहा गया था कि छोड़ दीजिए, उन पर कई तरह के आरोप लगे थे जी। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे राजद में सुधाकर है ना जी, वैसे यहाँ है जी। और इन लोगों पर दया करने की जरूरत है जी। अब मैं यह नहीं कहूँगा कि किसी की जमीन नहीं, किसी का पगार नहीं, सबको सब कुछ रहता है, किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन उपेंद्र जी ने जल्दीबाजी की है, उपेंद्र जी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब एक बार आप 2024 का सपना देखते हैं और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर तक खुद ही आप कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अब मरते दम तक अब हम दोनों भाई अलग नहीं होंगे, आप वो वादा क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली बात क्या हुई, सो ऐसा कौन सी बात आ गई, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप डिप्टी सीएम या सीएम बन जाते, हड़बड़ी किस बात की। मैं नहीं मानता ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के देख, पहले तो सोशल मीडिया से हम आग्रह करेंगे जी, किसी व्यक्तिगत झगड़े और किसी व्यक्तिगत रंजिश को किसी जाति धर्म से ना जोड़ा जी। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जिस थाना प्रभारी ने या जिन लोगों ने इसको नेगलिजेंसी में हल्के में लिया, घटना के बाद वहाँ पुलिस प्रशासन का नहीं होना, एक बड़ी गहरी साजिश है। पहले भी पुलिस के सामने में घटना की गई, विजय यादव की क्या रंजिश थी क्या नहीं रंजिश थी उनकी व्यक्तिगत का सवाल है जी, और जो घटना विजय यादव के द्वारा हुआ वो घटना सही नहीं है, मैं इसको गलत मानता हूँ और इस तरीके को गलत मानता हूँ किसी भी कीमत। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि करनी सेना या ये, मुझे लगता है कि क्या ये जांच का विषय है, वहाँ पूरी फोर्स में बार बार सुबह भी तेजस्वी यादव को मैंने कहा कि आप थोड़ा सा नीचे ज़मीन पर तो जाइए, ज़मीन पर तो देखिए, छपरा गोपालगंज सिवान जब नहीं सुरक्षित रहेगा और समाज नहीं बचेगा तो बिहार कहाँ से बचा पाइए, बिहार का नेतृत्व करिएगा तो छपरा बचाइए, गोपालगंज और सिवान बचाइए। ये मैं इतनी बड़ी घटना कल घट गई तो कल से आज तक पुलिस की अवामुख दर्शक बनी हुई है जो आज जाके घर जला दिया। हमें तो लगता है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, जांच करना चाहिए, क्या विजय यादव ने कोई सेंटीमेंट के लिए, वो तो पूरा का पूरा वीडियो फुटेज होगा, यदि करनी सेना या कोई लोग होंगे तो उसकी पूरे फुटेज होंगे, क्या सेंटीमेंट के लिए और अपने को बचने के लिए ऐसी कोई गलती काम तो नहीं कर दिया जी। तो ये जो भी लोग इस तरह का काम किए होंगे
उसको कठोर से कठोर दंडित, चाहे समाज में तनाव पैदा करने के लिए, चाहे वो कर्मी सेना हो या कोई सेना हो। मैं बार बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा मधुबनी में जब ब्राह्मण वर्सेस राजपूत के झगड़े को तूल दिया गया था कर्मी सेना के द्वारा, मैंने कहा था कि ये गलत परिपाटी और ये सही नहीं है। कर्मी सेना या कोई भी सेना अपने निजी दुकानदारी चलाने के लिए बयानबाजी करते हैं। हम आज सुबह गए थे और हमने सारे डॉक्टर को बुला के कह दिया है कि जितनी खर्चा होगी, मदद होगी, मैंने 25,000 रुपये मदद भी की जी, और जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा। पप्पू जी, सवाल ये भी है कि आप तमाम जगहों की बात कर रहे हैं, बेगूसराय भी गए थे, वहाँ पर भी आपने कहा कि प्रशासन यहाँ नजर ही नहीं आता है, सिंडिकेट चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है बिहार में? मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, अधिकारी कह रहा हूँ कि आपके गुंडे मार देते हैं, बाद में आप पकड़ते हैं, मरने के बाद पकड़ते हैं, फिर जेल से जाके गुंडे ही करता है जी, और फिर निकलता है फिर मारता है। स्पीडी ट्रायल तो होती नहीं है जी, और सजा तो होती नहीं है, और एक बार मारता है वो बड़का अपराधी हो जाता है, बड़का माफिया हो जाता है। तो जो घटना छपरा की घटना घटी है जी, पहले तो हम दिन में ही कहते कि ये गलत है, ये तरीके गलत है। आप किसी अपराधियों के खिलाफ लड़ना हो तो आप अपराधी के खिलाफ कानून लड़े, आप जहर को जहर से नहीं मिटा सकते जी। और जिस तरीके की घटना के बाद जो बात आ रही है कि कर्णी सेना ने जाकर के घर जलाया है, जादवों के गांव को नहीं जलाया, गलत बात कोई कह रहा है, कोई जादव का गांव नहीं है, मुखिया जी का गांव या गाड़ी की बात हो रही है जी। इसको भी हम गलत मानते हैं। यदि कर्णी सेना ने इस तरह के तनाव पैदा करने की कोशिश की है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए जी। और ऐसे सेनाओं पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। क्या ये सही है या साजिश है सेंटीमेंट लेने के लिए, दोनों बात की जांच हो। लेकिन मेरा सरकार से कहना है कि शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? इतनी बड़ी घटना के बाद वहाँ DSP और पूरा का पूरा जो फोर्स है वहाँ पर क्यों लगे नहीं है? इसका मतलब कि प्रशासन की विफलता है, जो DSP थानेदार है उस पर कार्रवाई हो जी। तो आपने साफ सुना किस तरीके से जो छपरा में घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि आपने ही कहा था उपेंद्र भाई कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कभी नहीं साथ छोड़ेंगे, लेकिन अभी आप साथ छोड़ रहे हैं, पहले ही यह गलती कर रहे हैं, अभी भी वक्त है इन तमाम चीज़ों को ठीक करें। तो साफ यह बात कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से कि अभी भी वक्त है, तमाम चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, जब एक बार आप 2024 का सपना देखते हैं और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप डिप्टी CM या CM बन जाते हैं।